हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बधालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर की नेमिंग पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेमिंग की अगर हम बात करें तो हमें पता है नेमिंग जो है वो दो तरीके से होती है, एक होती है कॉमन नेमिंग और दूसरी होती है आयुपैक नेमिंग। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी ये चीज़ बताई थी कि आपके एग्जाम में आयुपैक नेमिंग ही आती है अगर आपसे नेमिंग पूछी जाती है, बट कॉमन नेमिंग भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के इन बिटवीन कॉमन नेमिंग यूज़ कर ली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन नेमिंग कैसे होती है या किस कंपाउंड की क्या कॉमन नेमिंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कॉमन नेमिंग की, ठीक है, तो कॉमन नेमिंग के टाइम पर हम सबसे पहले लिखते हैं जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है उसका कॉमन नेम। जैसे CH3 है तो CH3 का कॉमन नेम क्या होता है? मिथाइल। C2H5 का क्या होता है? इथाइल। ठीक है, तो जो भी उस अल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम है हम उसे लिखते हैं, स्पेस देते हैं और फिर हम लोग क्या लिखते हैं? अल्कोहल। ठीक है, बट अगर हम आयुपैक नेमिंग की बात करें तो आयुपैक नेमिंग में हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर देखेंगे कि कौन सा अल्केन है, ठीक है, उस अल्केन का नाम लिखेंगे, और अल्कोहल ग्रुप है इसीलिए हम क्या लगाते हैं? OL। और आपको पता है हम लोग 11th में रूल्स में पढ़ते हैं कि दो वोवल्स एक साथ नहीं आते हैं, तो यहाँ से जो ई है वो हट जाता है और हम इसको कैसे लिखते हैं? एल्केनॉल। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, सपोज अगर हमारे पास है CH3OH, तो CH3 कौन सा अल्काइल ग्रुप है? क्या नाम होता है उसका? मिथाइल, है ना। तो यानी कि CH3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मिथाइल, पहला लेटर कैपिटल, फिर स्पेस देना है, और OH के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? अल्कोहल। अगर इसी CH3OH का मुझे आयुपैक नेम करना है तो अब देखिए एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मेथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अल्कोहल के लिए क्या आएगा? ओल। तो क्या बन गया? मीथेनॉल। सिमिलरली अगर हमारे पास है CH3CH2OH, ये और कैसे लिखा हो सकता है? ये C2H5OH भी लिखा हो सकता है। तो ये हमारा कौन सा अल्काइल ग्रुप होता है? इथाइल। ठीक है, और OH के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? अल्कोहल। इसी का आयुपैक नेम बताओ। दो कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो क्या बन जाएगा? ये इथेनॉल। ठीक है, अगर हम बात करें तीन कार्बन की, तो तीन कार्बन में देखो क्या है, आप लोगों के आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे हम नेमिंग किस तरीके से करते हैं? जैसे कि फोर सपोज हमारे पास है CH3CH2CH2OH, ठीक है, और ये आपका ऐसे भी हो सकता है CH3CH OH CH3, हो सकता ना, दो पॉसिबिलिटी जनरेट कर दी मैंने यहाँ पर। तो अब आप कैसे बताओगे, क्योंकि कॉमन नेमिंग में हम लोग नंबरिंग तो करते नहीं है, तो हम कैसे कॉमन नेमिंग में बताएंगे कि OH हमारा कहाँ पे है? तो जब हमारे पास सिंगल स्ट्रेट चेन होती है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? N। N का मतलब क्या होता है? कि वो नॉर्मल चेन में है। ठीक है, तो सिंपल है, हमारे पास नॉर्मल चेन है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? N। तीन कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोपाइल, और स्पेस देकर अल्कोहल। अब इसकी बात करते हैं। अब इसमें देखो, मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सिखाए थे, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अदर कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? दो, है ना, और दो भी बना रहा है, और साथ के साथ वो दोनों ग्रुप जो है वो सेम है, इधर भी CH3 है इधर भी CH3 है। जैसे कि देखो इसका एक और एग्जाम्पल हम ऐसे भी देख सकते हैं, CH3CH2CH CH3। अब देखो OH जिस कार्बन से अटैच है उसके अदर कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है? दो। यहाँ पे भी कितने बॉन्ड है? दो, बट ऊपर वाला और नीचे वाला क्या सेम है? नहीं। ऊपर वाले में कितने कार्बन है? तीन। नीचे वाले में कितने कार्बन है? चार। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो दो बॉन्ड बना रहा है, मतलब सेकेंडरी तो है बट इधर और इधर दोनों क्या है? सेम ग्रुप है। तो जब सेम ग्रुप होता है तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं? आइसो। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? आइसो। तीन कार्बन के लिए प्रोपाइल और फिर स्पेस देकर अल्कोहल। और नीचे वाले की बात करें तो देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका इधर भी बॉन्ड है इधर भी बॉन्ड है, मतलब दो कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो सेकेंडरी तो है बट क्या इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप सेम है? सेम नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे सेक। सेक मतलब सेकेंडरी। तो क्या लिखा जाएगा? सेक।
कितने कार्बन, चार। चार के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, और स्पेस देकर क्या लिखेंगे, एल्कोहल। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं पर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद इसी की अगर हम बात करें, चलो ऊपर वाले की अगर हम आयुपैक नेमिंग की बात करें, तो आयुपैक नेमिंग में हम पोजीशन बताने के लिए क्या करते हैं, नंबरिंग। ठीक है, तो अब जब नंबरिंग करेंगे तो आपको देखो रूल्स पता होने चाहिए। पहला रूल क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना। दूसरा रूल क्या है कि नंबरिंग आप इस तरीके से करोगे कि OH आपका जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले, मतलब शुरुआत वहीं से करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, 1, 2, 3। ठीक है, तो इसको 1 मिला। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और आप चाहो तो 1 ओल भी लिख सकते हो या प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। तो मैं तो 1 लिख रही हूँ क्योंकि मुझे तो आपको समझाना है पोजीशंस वगैरह में डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, अब इधर देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, कहीं से भी करो उसको 2 ही मिलेगा। तो इसका क्या नाम बनेगा, प्रोपेन 2 ओल। इसकी बात करें तो देखो 1, 2, 3, यहाँ से 3 मिलेगा, 1, 2, यहाँ से इस कार्बन को 2 मिलेगा। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, आयुपैक में, इधर से। ठीक है, तो यानी कि इसका क्या बनेगा, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4। तो 4 के लिए ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, एन, और OH जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन को क्या नंबर दिया है, 2। तो क्या बन गया ये, 2 ओल। तो ब्यूटेन 2 ओल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास है फिनोल, ठीक है, फिनोल हम किसको कहते हैं, बेंजीन के ऊपर OH। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई फिनोल जो है वो आयुपैक नेमिंग है कि कॉमन नेमिंग है, तो आप इसको दोनों के लिए यूज कर सकते हो। ये आपका कॉमन नेमिंग भी होता है और यही आपका आयुपैक भी होता है। ठीक है, अगर हमारे पास है बेंजीन रिंग और उस पे आ गया CH3 और OH, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्रिसोल। अब देखो जब बेंजीन है तो बेंजीन, सिंपल बेंजीन पे तो सारी पोजीशंस क्या है, सेम है। ठीक है, वहां पे तो बता नहीं सकते, बट यहाँ पे ये एक दूसरे के क्या आ गए, 1-2 पोजीशन पे, और जब 1-2 पोजीशन पे आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। तो ये क्या बन गया, ऑर्थो क्रिसोल। अगर इसका हमें आयुपैक नेम लिखना है तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, 1-2। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल फिनोल। क्या नाम बनेगा इसका, 2 मिथाइल फिनोल। ठीक है, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पर CH3 है और OH है, ठीक है, तो अब ये कैसे है, कैसी पोजीशन पे है, 1-3 पे। तो 1-3 हमारी क्या होती है, मेटा। तो हम इसको क्या लिखेंगे या क्या बोलेंगे, मेटा क्रिसोल। ठीक है, और अगर हम आयुपैक नेमिंग की बात करेंगे तो आयुपैक नेमिंग में देखो प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप को। तो क्या लिखा जाएगा, 3 मिथाइल फिनोल। क्या लिखा जाएगा, 3 मिथाइल फिनोल। सिमिलरली अगर हमारे पास ये दोनों ग्रुप 1-4 पोजीशन पे हैं, अगर 1-4 पोजीशन पे हैं तो 1-4 के लिए हम क्या लिखते हैं, पैरा। तो क्या लिखा जाएगा, पैरा क्रिसोल, और आयुपैक नेम इसका क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 4 मिथाइल फिनोल। अब देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हैं। अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर 2 OH हैं, ठीक है, तो कॉमन नेम इसका क्या होता है, कैटेकोल, अगर वो 1-2 पोजीशन पे है। अगर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1-3 पोजीशन पे है तो उसका कॉमन नेम क्या होता है, रिसोर्सिनोल, और अगर वो 1-4 पोजीशन पे है तो उसका कॉमन नेम क्या होता है, क्यूनोल या फिर हाइड्रोक्सी क्यूनोन। ठीक है, बट अगर हम इन्हीं कंपाउंड के आयुपैक नेमिंग की बात करें तो बेंजीन पर जब 2 OH आते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन 1-2, 1-3, 1-4 डायोल। ठीक है, तो जब हम ऊपर वाले की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले कंपाउंड की 1-2, तो OH जो है वो 1-2 पे है, तो इसका क्या बनेगा, आयुपैक नेम बेंजीन 1-2। अब कितनी बार है, 2 बार है OH, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाई, और OH के लिए क्या लगाएंगे, ओल।
अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा आयुपैक नेम इसका, बेंजीन, ठीक है, फिर 1, 3 डाईओल। इसी तरीके से इसके लिए क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो क्या बन जाएगा ये, बेंजीन 1, 4 डाईओल। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपका पहला रूल क्या है कि ऐसा आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है इंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर कार्बन ऑल्सो जिस पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे OH जो है वो इस कार्बन पे अटैच है, तो मतलब इस कार्बन को आप लेकर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढोगे। तो देखो, इस कार्बन को लेके या तो ऐसे बनेगी, या आपकी ऐसे बनेगी, या फिर ऐसे बनेगी, और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ऐसे बनेगी। तो आप खुद से काउंट करो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे बन रही है, आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे बनेगी, ठीक है। अब जब आप नंबरिंग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको वहां से नंबरिंग करनी है जो आपका OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो यानी कि नंबरिंग भी आपकी कहां से स्टार्ट होगी, यहां से। अब आप ये देखो कि आपका पेरेंट चेन से क्या क्या बाहर है। तो यहां पे क्या बाहर है, क्लोरो मिथाइल है ना, अल्काइल ग्रुप है ना, तो क्लोरो मिथाइल। और ये देखो CH है, इस पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब सेकेंडरी है और साथ के साथ सेम ग्रुप है, तो क्या बन गया, आइसो। तो ये है आइसोप्रोपाइल और ये है क्लोरोमिथाइल। तो बताओ अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा कि आइसोप्रोपाइल पहले आएगा, ऑब्वियसली बात है कि C पहले आएगा अल्फाबेटिकली। तो इसका नाम क्या बनेगा, 3, पहला लेटर कैपिटल लिखना है, ठीक है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। सो 3 क्लोरोमिथाइल, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 2 पे आया है तो 2 आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अब पेरेंट में कितने, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए आप क्या लिखोगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखना है, और फर्स्ट पे आपका OH है। तो अब देखो ऐसे लिख रहे हैं हम, तो ई और ओ एक साथ नहीं आ सकते, तो ई यहां से हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ओर, ठीक है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे दो दो OH आ गए, तो इन दोनों वाले, इस वाले कार्बन को भी और इस वाले कार्बन को लेके आपको लॉन्गेस्ट ढूंढना है। तो यानी कि अब आपकी ये तो बनने से रही, मतलब पॉसिबल वैसे भी नहीं बन रही, ज़्यादा कार्बन नहीं है, पर मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि आप यहाँ पे ऐसे नहीं जा सकते, तो ज़्यादा कार्बन भी नहीं है और फिर ऊपर से एक OH जो है आपका वो छूट जाएगा, ठीक है। तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो आप ऐसे लोगे इनको इंक्लूड करके, तो ये OH जो है ये तो आपका पेरेंट में ही आ गया। अब आपका पेरेंट से बाहर क्या क्या है, CH3, तो पहले इनकी नेमिंग करेंगे हम, ठीक है। CH3 को क्या बोलते हैं बता दो जल्दी से, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब देखो मिथाइल किस किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, 2, 5, दो बार आ रहा है तो डाई। CH3 के लिए क्या लिखते हैं, मिथाइल, ठीक है। पेरेंट के लिए क्या लिखेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अब ध्यान से देखो 1 पे और 3 पे आ रहा है, तो 1, 3 दो बार आ रहा है ना, तो डाई और OH के लिए ओल। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या आ गया, डी, इसलिए यहाँ से ई नहीं हटेगा, ई आपको हमेशा वहाँ हटाना है जहाँ पे आपका वोवल आ जाए। अब यहाँ पे डी तो वोवल है नहीं, तो यहाँ से ई नहीं हटेगा, ई जो है वो वहीं की वहीं रहेगा। इसमें देखिए अब पता ही चल रहा है प्रायोरिटी OH वाले कार्बन को जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा इसका नाम, 3-ब्रोमो। अब ये क्या है, रिंग है, और रिंग भी कैसी, एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, साइक्लो, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अब क्या है, ओ एल। अब यहाँ पे ई आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ओ, तो वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है, ठीक है। अब देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स, पहला लेटर कैपिटल। फिर अब सिंगल बॉन्ड नहीं है, अब क्या आ गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे, 1-ene, ध्यान से देखना। अब थर्ड पे हमारा OH है, तो हम क्या लिखेंगे, 3-ol। अब ई और ओ एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ से ई जो है वो हट जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारी जो प्रायोरिटी है ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप भी है डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 तो क्या बनेगा आपका, ये ब्रोमो, बी आर के लिए ब्रोमो और सी एच थ्री के लिए मिथाइल। तो बी पहले आएगा कि एम पहले आएगा, बी पहले आएगा तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 3 मिथाइल। ठीक है, और 4 के लिए क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, नहीं है, डबल बॉन्ड है, कहाँ पे है, इधर, तो 2 ईन, और इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 1 ओल। ठीक है, तो आई होप आपको नेमिंग का थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। बाकी मैं आप लोगों को पर्सनली ये चीज़ कहूँगी कि आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट जब तक आप आयुपैक की प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको नेमिंग नहीं आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बताइए।